नमस्कार दोस्तों, गन्ने की फसलनामा वीडियो सीरीज को अपना कीमती समय और भरपूर प्यार देने के लिए देहात की ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आप में से काफी किसानों ने गन्ने की फसल में लगने वाले टॉप शूट बोरर या छोटे भेदक कीट से परेशान होकर इसे नियंत्रित करने के उपायों पर आधारित वीडियो बनाने का आग्रह किया था। तो चलिए आज बात करते हैं टॉप शूट बोरर के बारे में। ये कीट सफेद से स्लेटी रंग के फतंगी की तरह दिखते हैं और इसका प्रकोप मुख्यतः अप्रैल से लेकर सितंबर माह तक में होता है। ये कीट गन्ने की फसल के 2 फीट होने के बाद या ऐसा कह सकते हैं कि वनस्पति विकास से लेकर उसके तैयार होने तक की किसी भी अवस्था में हमला करता है। खेतों में अधिक जल जमाव की स्थिति में या खेत की गहरी जुताई और अन्य जरूरी कल्चर अभ्यास ना होने के कारण इस कीट के लगने की संभावना बढ़ जाती है। खेत में टॉप शूट बोरर जमीन के अंदर ही रहकर अपने जीवन चक्र को पूरा करती है। इस कीट से गन्ने के पौधों की बढ़वार में करीब 60-70% तक का नुकसान पहुंचता है। फसलों में टॉप शूट बोरर कीट के लगने पर लक्षणों की पहचान करें तो नई पत्तियों एवं ऊपरी पत्तियों में घुसकर समांतर स्तर पर सुरंग बनाकर तने तक पहुंच जाते हैं। कीट गन्ने के भीतर भाग को खा जाता है, जिससे पोरे अंदर से खोखली हो जाती है, जिसे डेड हार्ट भी कहा जाता है। प्रभावित पौधों के ऊपरी पत्तियां गुच्छानुमा दिखाई देती है। टॉप शूट बोरर को नियंत्रित करने के लिए खेत में लाइव स्ट्रॉप का इस्तेमाल करें। इसके अलावा क्लोरिन ट्रेनिलिप्रोल 18.5% SC का 150 मिली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। वीडियो में बताए गए दवाओं के उत्पाद जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देहात किसान ऐप डाउनलोड करें और देहात से जुड़िए। देहात का हाथ किसानों के साथ। धन्यवाद।